छिंदवाड़ा में कृषि कानून को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कृषि कानून का विरोध करने ट्रैक्टर से पहुंचे और कृषि कानून को किसान विरोधी बताया। छिंदवाड़ा के तामिया में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 नए कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने रैली निकाली, जिसमें पर्यवेक्षक जमील खान के नेतृत्व में कई गाँव से ट्रैक्टर में भरकर कांग्रेस समर्थक लोग तामिया पहुंचे और किसान आंदोलन में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी ने रैली के बाद राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कृषि कानून वापस लेने की मांग की। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए इसे किसान विरोधी सरकार बताया। उधर छिंदवाड़ा के चोरई में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी ट्रैक्टर में बैठकर किसान आंदोलन करने पहुंचे और कृषि कानून को किसान विरोधी बताया। चावलपाली क्षेत्र के तत्वधान में किसानों का जो केंद्र सरकार ने 3 काले कानून पास किया है, उसको वापस लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में आज किसान यहाँ पर उपस्थित हुआ है और माँ महिम राष्ट्रपति जी के नाम पर तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।